हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। तो आज की नई सुबह का साथ करेंगे। आज कुछ नया वैसे तो कुछ करने को है नहीं, जा रहा हूँ ऑफिस में यार। देखो वीडियो तो डेली लाइफ ब्लॉग है, तो मतलब कुछ भी रहेगा, देखो और इन्जॉय करो। भैया पहुँच चुके हैं जमीन पे और एक सर बैठे हुए हैं वहाँ पे। हाँ, सर के साथ जाना है। ये हमारा भाई साहब स्क्रू ड्राइवर वगैरह है, वो घर पर छोड़ दिए थे हम। आज मचाएंगे, फिर से मचाएंगे। चलिए फिर चलते हैं, अभी मिलेंगे आप लोगों को ऑफिस में। भैया घूमते घूमते पहुंच चुके हैं ऑफिस में। ये रहा हमारा पीछे ऑफिस, सर्विस सेंटर जिसको बोल सकते हैं। तो अभी आज का जो भी कॉल है वो सब हम उठाएंगे, देखते हैं किधर किधर का है। वैसे तो मेरा लोकल का कॉल रहता है, जैसे कि कामोठे हो गया, मेरे हो गया, वो वाले गाँव ऐसे करके जो गाँव है वहाँ पर हो गया। तो वैसे मतलब जो भी नियर बाई में रहता है वहीं पर रहता है, मेरा लोकल कॉल है। तो अभी अंदर जाते हैं ऑफिस में, देखते हैं, बातचीत करते हैं कि मतलब आजकल कॉल की लगता है। तो बाकी उसके बाद मिलते हैं, इंस्ट्रक्शन वगैरह देते हैं आपको कैसा क्या रहेगा। और आज ट्राई करूँगा किसी एक टीवी का इंस्टॉलेशन भी दिखा दूँगा। तो सब तक के लिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। हेलो गाइस, तो भाई फाइनली कॉल वगैरह मिल चुका है, टाइम हो गया है, कम से कम 11:30-12 बज रहे हैं। और मुझे कॉल मिला है खपोली का, मतलब जाना है बहुत लंबा। तो चलिए फिर चलते हैं और देखेंगे, मचाएंगे पूरा। भाई खपोली पहुंच गया। मतलब तो हमारे यहाँ पनवेल से 40 किलोमीटर लगता है, वे 40 किलोमीटर ट्रैवल करके फाइनली ये खपोली का गेट है। तो यहाँ से मुझे एंटर करना है और यहाँ का लोकेशन देख लो भाई, मतलब फुल पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ पे पीछे बहुत सारे झरने और हैं, मैं उधर आते टाइम में देखा, काफ़ी इधर का लोकेशन देखो, पूरा पहाड़ी पहाड़ी है, अच्छी जगह है। चलो फिर अभी क्या लोकेशन पर चलना है, मैं कस्टमर से बातचीत कर लूँ तो फिर चलते हैं लोकेशन पर। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मालूम है ना, अरे ऑन कर लोगे तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा यार, मेरा वीडियो देख पाओगे। छोड़ के फिर मुझे अभी इधर जाना है, चलता हूँ फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो भैया ये जो कस्टमर आने वाले थे वो आ भी गए, मैंने इंस्टॉल भी कर लिया। तो अभी इंस्टॉल करके मैं जा रहा हूँ एक साई बाबा नागर करके एक स्पेस है, प्लेस है उधर करने। भाई एरिया मेरे को समझ में नहीं आता, मेरी गाड़ी इधर कहीं पर मैंने पारी है। तो मेरी गाड़ी इधर है, मेरी गाड़ी उधर है। तो यार गाड़ी बहुत जाती हूँ मैं। तो कस्टमर से मुझे एक एड्रेस पूछना है यार, वो आ जाए फिर उसका एड्रेस वगैरह पूछ करके मैं निकलूँ। वो आ रहे हैं तो एड्रेस वगैरह पूछ करके मैं निकलता हूँ दूसरे एड्रेस पर। ये ज़िंदगी है भैया। चलो ठीक है फिर मिलता हूँ थोड़ा टाइम में। तो यार प्रॉब्लम ये है, चालू हो गया है बहुत ज़ोरों से बारिश, जिसके चक्कर में किसी स्नैक्स कॉर्नर चलता हूँ। वो बंदे का मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा था यार, तो अभी मुझे उसने जस्ट ना व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर किया है। तो लोकेशन के थ्रू मैं जाता हूँ उसके यहाँ पर, और दिक्कत होती है, वो तकलीफ होता है। कहीं कहीं पर रहता है फटाक से एड्रेस मिल जाता है, कहीं कहीं पर इतना ढूंढना पड़ता है। तो मैं फिलहाल खड़ा हूँ, जाता हूँ, देखता हूँ यार, भूख भी लग रही है अब यहाँ से। ऐसा कुछ साथ मुझे वड़ा पाव वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, तो आगे देखता हूँ कहीं कुछ मिला तो आएंगे। तीन चलो ठीक है फिर,
मिलते अभी थोड़ा टाइम बाद। तो बारिश का मजा ले जाओ, बारिश आए है क्या बारिश। चलो ठीक है, मिलता हूँ अभी थोड़ा टाइम बाद। खोपोली का जितना भी काम था ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, मतलब दो ही था ख़त्म हो गया है। अभी मुझे यहाँ से जाना है खालापुर, खालापुर जाना है। तो अभी बस निकल रहा हूँ इधर। तो भाई खालापुर का नाम लेकर के मेरे साथ हुआ स्कैम। जैसा मतलब खालापुर का एड्रेस डाला हुआ है बट कहाँ से बोल रहे हैं, कोई 35 किलोमीटर है कोई 40 किलोमीटर है, ऐसा ऐसा मेरे साथ स्कैम हुआ। बारिश स्टार्ट हो गई है तो मैं इधर साइड में आकर के रुक गया हूँ। तो मैं अपने कंपनी में कॉल करके बात करता हूँ, कंपनी वाले बोल रहे हैं छोड़ दे सर्विस कॉल और आ जाओ वापस। तो एक रासायनी में एक कॉल है, तो अभी उसका लोकेशन वगैरह ले करके कस्टमर का मैं जा रहा हूँ उसके घर पर और वहाँ से निपटाते वगैरह, फिर उसके बाद मैं चला जाऊँगा अपने। अरे मतलब मेरे साथ स्कैम कर दिए यार, स्कैम हो गया है मेरे साथ। तो बारिश कम हुआ, चलो ठीक है मैं निकलता हूँ अभी, मेरे को जाना है रासायनी में पहुँच करके अपना काम दाम करके फिर निकलता हूँ। चलिए क्या बोलती मेरी प्यारी सी पब्लिक। और भाई आज का जितना भी काम था सब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और अब मैं निकल चुका अपने घर के लिए। तो फिलहाल किसी एरिया में हूँ, मुझे भी नहीं मालूम कौन सा एरिया है, पूरा पहाड़ी पहाड़ है और इधर पहाड़ से भाई मतलब कभी कुछ मालूम ही नहीं आ रहा यहाँ का। पीछे उधर सिटी दिख रहा है और देखते हैं, अभी यहाँ से कम से कम 22 किलोमीटर है पनवेल। मुझे जाना है पनवेल सर्विस सेंटर पे जाऊँगा एक बार, नहीं तो फिर सीधा जा रहा हूँ घर पे। वो टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं, तो यार तकलीफ़ हो जाएगी, शाम भी हो रहा है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सीधा आपको घर पर मिलता हूँ भाई, आराम से बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए मिलते हैं सीधा शाम, चलिए फिर चलते हैं। क्या बोलती पब्लिक, भैया पहुँच चुके हैं घर पे, अब जा रहे हैं अपने घर पे फाइनली, मतलब अब भी जस्ट आ रहा हूँ, अब जा रहा हूँ घर पे। तो यार बस कहना इतना ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना और बेल नोटिफिकेशन दबा करके ऑन कर लेना यार, थोड़ा सपोर्ट कर देना भाई को, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।